कि मुजफ्फरपुर में सेना के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। पूरी खबर आप देखिए। सीतामढ़ी में बाढ़ राहत के पैकेट बांटकर वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर मुजफ्फरपुर लौट रहा था। इसी दौरान हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में आग लग गई थी। पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बाढ़ग्रस्त इलाके के जल भराव में हेलीकॉप्टर को उतार दिया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत चार लोग सवार थे। स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण को गंभीर चोटें लगी हैं। चारों वायुसेना कर्मियों का इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में चल रहा है। इधर गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गांव में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे निचले इलाकों के गाँव में पानी घुस गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 माह में तीसरी बार बाढ़ का पानी गांव में घुसा है। हालांकि नाव चलने से आवाजाही की परेशानी कुछ कम हुई है। नेपाल से लगातार प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तो नदी चढ़ान पे ही हमारी। गांव में जल भराव होने से लोग घर की छतों और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है। वहीं पशुपालकों को अपने पशुओं को रखना मुश्किल हो गया है। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वायुसेना ने कमान संभाल ली है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2 हेलीकॉप्टर की मदद से फूड पैकेट्स एयर ड्रॉप किए गए। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के लिए फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों की निगरानी में SOP के मुताबिक फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। तैयार फूड पैकेट्स एयरफोर्स सेंटर भेजे जा रहे हैं। इन फूड पैकेट्स को वायुसेना के जवान बाढ़ पीड़ितों के बीच बांट रहे हैं। कीरतपुर की 8 पंचायतों में करीब 2000 फूड पैकेट्स गिराए गए हैं। देखिए, हम लोगों ने अपना प्लान किया है कि विदिन 2 to 3 डेज जो भी हमारे प्रभावित परिवार हैं, उन तक हम लोग फूड पैकेट्स का वहां पर वितरण कर दें। दरभंगा में भी सूखे अनाज का फूड पैकेट तैयार कर सीतामढ़ी भेजा जा रहा है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक करीब 240 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल सरकार ने भारी बारिश को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से ये चेतावनी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि गुरुवार को कोशी और बागमती के इलाकों के साथ काठमांडू घाटी में भारी बारिश की संभावना है। गृह मंत्री रमेश लेखक ने बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ को लेकर प्रमुख राजमार्गों पर यात्रा के समय सावधान रहने की अपील की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 13,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। शिवहर के तरियानी छपरा गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों की स्थिति काफी ज्यादा खराब बनी हुई है। अब भी लोग बांध पर खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। बागमती नदी का तटबंध टूटने से शिवहर जिले के तरियानी छपरा इलाके में पानी घुस गया है। घरों में पानी घुसने से सभी सामान डूब गए। मवेशियों को लेकर लोग बांध पर आ गए। बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने का प्रबंध भी किया गया है। प्रॉब्लम नहीं है, जो दाई है हो गया सब माल में जैसे लेके सब उनका मुर्गी बच्चा लेके सब यही ना बांध पर ओगर ले। एगो पल्ली मिला, उसी में गुजर करते हैं। खाना मिलता है 12 बजे 1 बजे खाता है बच्चा लोग। गौरतलब है कि तरियानी छपरा में तटबंध टूटने से सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है।